हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे और मैं हूँ रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न पे। जैसे कि कोई एक बैग है, उसमें 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। हमें कह देता है कि ये जो सिक्का का अनुपात है इसमें है, आ कुल रुपया जो है इस बैग में इतना है। तो आप बता दीजिए कि इसमें जो है 1 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है, 2 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है, 5 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और वीडियो को लाइक। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में। एक बैग है जिसमें कहा है कि 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, और ये किस अनुपात में है? तो 2:3:5 में, 2:3:5 के अनुपात में। बाद में कह रहा है यदि इन सिक्कों का कुल मूल 228 रुपया। कहा जा रहा है कि जो सिक्कों का कुल मूल है वो कितना है, 228 रुपया है। तो हमें बताना है कि तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, हमें क्या बताना है कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है उसको बताना है। इसके लिए क्या करिए कि गुना कर लीजिए, 1 रुपया के 2 सिक्का था के रुपया 2 रुपया, 50 पैसा के 3 सिक्का तो कितना रुपया, 50 150 पैसा हो गया तो कितना 1.5 रुपया, 25 पैसा के 5 सिक्का तो 25 चक 100, 25 पचे 125 तो 125 पैसा, मतलब कि कितना रुपया हो गया, 1.25 रुपया हो गया, 1.25 रुपया हो गया। तो हमें क्या दे रहा है कि थैला में कुल कितना रुपया, 228, मतलब यही सब जोड़ के ना 228 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 अब 5 25 कितना हो जाएगा, 75। तो हमें पता चला कि 4.75 जो है वो किसके बराबर है, हमें दिया है कितना 228। तो एक कितने के बराबर होगा, 228 बट्टा में 4.75, पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, 2 को 0 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, 5 से इसको कैंसिल करिएगा यदि, तो 5 9 45 अब 5 5 25, इसको 5 से कैंसिल करिएगा तो 5 1 20 बच गया कितना 28, 5 5 25, 5 6 30, 4560 बच गया। ठीक है, अब इसको फिर से 5 से यदि कैंसिल करें तो 19 में चला जाएगा, ये जाएगा 5 9 45, 5 1 5 और 5 2 10, 19 से ये जाएगा। चेक करते हैं 19 से 912 करता है कितना बार में, 19 5 95 होता है, 4 बार में यदि देखें तो 4 19 6 76, 11 से 6 गया तो 5 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में साल दिया तो 1 152। अब यहाँ पे कितना बार में कटेगा, तो 19 8 कितना होता है, 9 8 72 के 2 7 के 1 8 8 7 15, यहाँ पे 8 बार में ये जो है कट जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि एक जो है वो कितने के बराबर है, 48 के बराबर है। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 3 है। तो एक जब 48 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 48 × 3 के बराबर, और 3 24 के 4 2 12 2 14 144। तो हमें पता चल रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या वो कितना है, 144 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले उसे देखिए। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। क्या है कि थैला है जिसमें क्या है कि 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्का है, 25 पैसा, 10 पैसा और क्या है कि 5 पैसे के सिक्कों की क्या है, सिक्का है, उसका अनुपात कितना है, 1:2:3 में है। 25 पैसा का 1 सिक्का है तो 10 पैसा का 2 सिक्का है और 5 पैसा के 3 सिक्का है। हमें कहा गया है यदि थैले में कुल धन 60 रुपया है, यदि थैला में कुल धन कितना है 60 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, हमें पूछा जा रहा है कि तो जो 25 पैसा है इसके सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए 25 पैसा के 1 सिक्का तो कितना रुपया, 25 पैसा हो गया तो 25 पैसा में कितना रुपया हो गया, 0.25। 10 पैसा के 2 सिक्का तो कितना पैसा हो गया, 20 पैसा, मतलब कि 0.20 रुपया हो गया। 5 पैसा के 3 सिक्का तो कितना हो गया, 15 पैसा हो गया। रुपया में बदल लीजिएगा तो क्या होगा, 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.15। यहाँ पे रुपया कितना है, 0.25, 0.20, 0.15,
यदि तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, पांच पांच दस, दो दो चार, एक पांच एक छह, तो हमें पता चलेगा कि 0.6 रुपया जो है इस बैग में इसका है, और हमें दे रहा है कितना 60, मतलब कि 0.6 जीरो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 1 कितने का बराबर है, 60 बटा 0.6, ये पॉइंट हटाना जाए यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 6 से कितना बार में चला जाएगा, 6 दहा के 60 है, एक जीरो यहाँ पे कितना हो गया, एक जो है 100 के बराबर है, तो 25 पैसे के सिक्का के अनुपात कितना है, एक ही है, तो एक क्या है 100 के बराबर है, तो हमें पता चलेगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 100 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3:4:5 में, एक थैला है जिसमें क्या है कि 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए के नोट है, और इसका अनुपात कितना है, तो 3:4:5 में है, ठीक है। बाद में कहा जा रहा है यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो, यदि क्या हो कि जो थैला है उसमें कुल कितना हो धन, 1000 रुपया हो, 1000 रुपया हो, तो हमसे पूछा जा रहा है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, जो 5 रुपए के नोट है उसकी संख्या कितना है। अब एक बात देखिए, 20 रुपए के 3 नोट तो कितना रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया, 10 रुपए के 4 नोट तो कितना रुपया, 40 रुपया, 5 रुपए के 5 नोट तो कितना हो गया, 25 रुपया। अब ये तीनों को जोड़ेगा कितना रुपया हो जाएगा टोटल, 60, 40, 100, 125। तो यहाँ पे पता चलेगा कि 125 है इसके, यहाँ पर दिया है कितना 1000, तो 125 जो है वो कितने का बराबर है, 1000 के बराबर है, ठीक है। अब एक बात होती है 125 है, ये 1000 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, क्योंकि 125 से क्या होता है 500 होता है, 125 से ये क्या हो गया 8 बार में कट गया, तो 1 जो है वो 8 के बराबर है, यहाँ पे 5 रुपए का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि जो 5 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितना है 40 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन